नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि अक्सर कर सभी एंट्रेंस टेस्ट और जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट है उनमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट जैसे GNST, PNST, पशुपालन प्रवेश परीक्षा, PBFT की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनके आंसर है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बता दूंगा हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन, एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन, एग्जाम्स के रिजल्ट, आंसर की रिस्पॉन्स शीट, एडमिट कार्ड दोस्तों सभी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल में मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से होगा क्या कि जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी हमारी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों, हम केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताऊँगा ठीक है, सीधे आंसर बताऊँगा फैक्ट ठीक है। तो पहला है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। धातु, धातु तो जानते होंगे आप, मेटल, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, तथा जो मेटल्स होते हैं धातुएं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक मतलब कि उनमें से करंट फ्लो हो सकता है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो विद्युत की सुचालक हैं इसलिए उनमें से करंट फ्लो होता है। शुष्क सेल का आविष्कार जी लैक लांसे ने किया था। शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था, जी लैक लांसे ने। इसी प्रकार आपने बुल्टी सेल के बारे में ही पढ़ा होगा। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी गुण समान होते हैं या फिर दोस्तों हम कहें कि एक समान होते हैं या एक समान मिलते हैं, समांगी विलयन कहलाता है ठीक है। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी गुण एक समान होते हैं क्या कहलाता है, समांगी विलयन। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है। दोस्तों आपने त्रुटियाँ तो पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में ठीक है, फ्रैंकल त्रुटि होती है, शॉर्ट की त्रुटि होती है, बहुत सारी होती हैं दोस्तों, इंटरस्टीशियल त्रुटि होती है। इस उसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सी त्रुटि पाई जाती है, फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है। संक्रमण तत्वों में सर्वोच्च ऑक्सीकरण संख्या +8 होती है, कितनी होती है, +8। संक्रमण तत्वों में सर्वोच्च ऑक्सीकरण संख्या +8 होती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को बेराइट कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को बेराइट कहते हैं। जल तथा नाक के जल तथा नमक के विलयन में, जल तथा नमक के विलयन में नमक विलेय होता है तथा जल विलायक होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जल और नमक का विलयन तैयार कर रहे हैं तो जल क्या होगा आपका, विलायक होगा, और नमक क्या होगा, विलेय होगा। जो घुलता है जैसे नमक में, नमक क्या होगा, घुल जाएगा, नमक को हम पानी में डालेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा, तो जो घुला वो क्या कहलाता है, विलेय, और जिसमें घुला उसको बोलते हैं विलायक ठीक है। तो नमक घुला है तो इसे बोलेंगे विलेय, और जल में घुला तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शुष्क बर्फ बनाने के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस लिए होता है, शुष्क बर्फ बनाने के लिए होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ड्यूरालुमिन एक धातु है जिसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमिन एक धातु होती है दोस्तों जिसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में होता है। थाइकोल एक कृत्रिम रबर होती है। थाइकोल क्या होती है, एक कृत्रिम रबर होती है। सभी एक्टिनाइड धातु होते हैं, सभी एक्टिनाइड धातु होते हैं। हेलोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हेलोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। NH3 में SP3 संकरण होता है। दोस्तों NH3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें SP3 संकरण होता है, SP3 संकरण होता है। क्रिप्टॉन व जिनॉन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। क्रिप्टॉन व जिनॉन का उपयोग किस में होता है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। सोडियम आयन का आकार इसके अणु से छोटा होता है। सोडियम आयन का आकार इसके अणु से छोटा होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक अणु
पांच आयन देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक अणु पांच आयन देता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एक अणु कितने आयन देता है दोस्तों? पांच आयन देता है। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था धोबन का जो सोडा होता है, धोने का सोडा, उसका रासायनिक नाम। इसके बाद आ जाइए फिजिक्स पर। एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186 जूल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ठीक है। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, आपको मालूम होगा। विद्युत धारा सॉरी विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। कोण एक अदिश राशि होती है। कोण आप जानते ही होंगे, दो लाइन के बीच हमने कोण का बहुत अध्ययन किया है दोस्तों, ठीक है। कोण एक अदिश राशि होती है। हमारी पृथ्वी भी दोस्तों कुछ कोण से झुकी हुई है, हल्की से, आपको मालूम होगा। पानी में साबुन मिलने पर या घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों हम जब भी पानी में साबुन साबुन जो होती है ना, उसको घोलते हैं, तो पानी का पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, साफ निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी कपड़े की छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनमें भी चला जाता है और मैल को बाहर निकाल देता है। जो अर्धचालक मुख्यतः प्रयोग में आते हैं, उनके परमाणु चतुर्थ संयोजी होते हैं। जो अर्धचालक मुख्यतः प्रयोग में आते हैं, उनके परमाणु चतुर्थ संयोजी होते हैं। एक एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। मैं आपको बता दूं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश की बूंदों का आकार गोलीय होता है। जो पृष्ठ तनाव तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण जो बारिश की बूंदें होती हैं उनका आकार कैसा रहता है? गोल रहता है, ठीक है। क्योंकि जो सतह है उस पर क्या होता है? सरफेस टेंशन लगने लगता है। एक आवेशित खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव नियत रहता है। एक आवेशित एक खोखला गोला है जो कि आवेशित है, उसके भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कैसा रहेगा? आपका नियत रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट। अभिरक्त फिल्म का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अभिरक्त फिल्म का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयुक्त होती है। अभिरक्त फिल्म का उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो अभिरक्त फिल्म होती है उसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए होता है। किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी चालक की लंबाई अगर हम आधी कर देते हैं, ठीक है, कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ हम हाफ कर देते हैं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रॉक सॉल्ट का उपयोग अभिरक्त किरणों के अध्ययन के लिए होता है। रॉक सॉल्ट का उपयोग अभिरक्त किरणों के अध्ययन के लिए होता है। बेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर काम करता है। जो बेंचुरी मीटर होता है दोस्तों, फ्लोरेट मापने के लिए होता है। पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लोरेट हम बेंचुरी मीटर से नापते हैं। यह बर्नौली का जो थ्योरम है उस पर वर्क करता है, ठीक है। और इसके पहले क्या था? रॉक सॉल्ट का उपयोग अभिरक्त किरणों के अध्ययन के लिए होता है। नीला, हरा व लाल प्राथमिक रंग के अलावा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है नीला, हरा व लाल, ठीक है। लाल, हरा, नीला, नीला, हरा, लाल, ठीक है, तीन होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति डायनेमो कहलाती है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डायनेमो। डायनेमो एक क्या है? मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोजन बम एक प्रकार का खतरनाक बम होता है, आपको मालूम होगा, जो कि नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम? नाभिकीय संलयन पर। आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आकाश है वो नीला हमें क्यों दिखाई देता है? उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। रेखीय संवेग के अघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के अघूर्ण को क्या बोलते हैं हम? कोणीय संवेग। पैरों में रेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसके बाद हम बायोलॉजी पर आ चुके हैं, ठीक है। पैरों में रेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। झाइलम के अवरुद्ध हो जाने पर पौधा मुरझाने लगता है। जो झाइलम होता है उसके अवरुद्ध हो जाने पर जो पौधा है वह मुरझाने लगता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पौधे क्यों मुरझाने लगते हैं। अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह कैलस होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह क्या होता है? कैलस होता है। इसके बाद है विषाणुओं के कारण डेंगू रोग होता है। दोस्तों डेंगू की जो बीमारी है वो विषाणुओं के कारण होती है। अनिषेचित अंडे से मधुमक्खी में नर का विकास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी में नर का विकास कैसे होता है? अनिषेचित अंडे से। बैटूला नामक पौधे में रिंग बार्क होता है। बैटूला नामक पौधे में रिंग बार्क होता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों अरस्तु को जंतु और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस रोगाणु के कारण होता है। जो प्लेग की बीमारी है वो किस रोगाणु के कारण होती है? पास्चुरेला पेस्टिस। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त नहीं जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। अम्लीय मिट्टी में होने वाले पौधे ऑक्सीलोफाइट कहलाते हैं। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें जो पौधे होते हैं उनको हम ऑक्सीलोफाइट बोलते हैं। बीज के अंदर अविकसित पौधा भ्रूण कहलाता है। बीज जो बीज है, ठीक है, यहाँ मैं लिखने में मिस्टेक हो गई दोस्तों, अगर कहीं कहीं लिखने में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बीज के अंदर अविकसित पौधा भ्रूण कहलाता है। एभिषेक अम्ल के द्वारा प्रसुप्तता को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। एभिषेक अम्ल के द्वारा प्रसुप्तता को नियंत्रित किया जाता है। मानव के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। मानव के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थियां होती हैं। मूली तने का रूपांतरण नहीं है, ठीक है। मानव के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मूली तने का रूपांतरण नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितने भी दोस्तों जड़ होते हैं, तना होते हैं, इनका आप थोड़ा अच्छे से अध्ययन करिएगा, ठीक है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाद है थीकोडोंट डाइकायोडांट स्तनियों के दांत होते हैं। थीकोडोंट डाइकायोडोंट थीकोडोंट और डाइकायोडोंट स्तनियों के दांत होते हैं। जनन केंद्रक व नलिका केंद्रक परागकण के केंद्रक में भाग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनन केंद्रक व नलिका केंद्रक परागकण के केंद्रक के भाग होते हैं। परागकण के केंद्रक के दो भाग होते हैं, जनन केंद्रक व नलिका केंद्रक, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं आपको। परागकण के केंद्रक के दो भाग होते हैं, जनन केंद्रक व नलिका केंद्रक, या फिर यूं कहें कि परागकण का केंद्रक दो भागों में टूट जाता है, जनन केंद्रक व नलिका केंद्रक। फ्लोएम का कार्य पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन का पहुंचाना होता है। भोजन के विभिन्न फ्लोएम का कार्य पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का पहुंचाना होता है, ठीक है।
ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उन तक भोजन पहुँचाना, ठीक है, और ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे और उनके आंसर याद हो जाएंगे। यहाँ पर सीधे मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।